गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर जीके सब्जेक्ट. ओके, इन दिस चैप्टर नंबर 2 आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, एंड इन दिस चैप्टर नंबर 2 आई विल एक्सप्लेन यू एंड दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन. ओके, ये आपको अपने खुद से करना है. ये आपको मैं बता दूंगी आपको क्या क्या इसमें फिल करना है और क्या क्या आपको लिखना है. ओके, योर चैप्टर नंबर 2 इज योर चैप्टर नंबर 2 माई फैमिली, मतलब आपकी जो फैमिली आपके परिवार के बारे में. ओके, आस्क योर मम्मी फॉर योर फैमिली एल्बम, मतलब आप अपने मदर से अपने फैमिली एल्बम के बारे में आप बात करेंगे. टेक आउट पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड पेस्ट इट इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस, जो मतलब आपकी फैमिली पिक्चर्स जो भी है, फैमिली फ़ोटोज़ जिनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उनकी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है विद देयर नेम्स. ओके, एज सबसे पहले आपकी मदर का फ़ोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है. ओके, आफ्टर दैट योर फादर्स फोटोग्राफ, आफ्टर दैट योर सिस्टर्स, योर ब्रदर, योर आंट, योर अंकल, योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके सिस्टर का, आपके भैया का, आपके आंटी का, अंकल का, ग्रैंड मदर मतलब आपके दादी जी का, और ग्रैंडफादर मतलब आपके दादाजी का. ओके, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्ट करना है और उसके नीचे उनका नेम भी लिखना है. दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन. ओके, नाउ वील मूव टू चैप्टर नंबर 3 विच आई विल टेल यू हाउ टू डू एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, चैप्टर नंबर 3 माई स्वीट होम, मतलब आपके होम के बारे में, मतलब कि किचन में कौन से सामान यूज़ होता है, बाथरूम में कौन सा यूज़ होता है, लिविंग रूम में क्या क्या होता है और बेडरूम में क्या क्या होता है. ओके, दिस आई विल टेल यू. सो फर्स्टली, अगर आपको जैसे स्कूल में टीचर पूछती है तानिया से कि आपके मतलब कि होम में आपने क्या क्या, आपके घर में आपने किचन में क्या क्या देखा है, बाथरूम में क्या क्या देखा है, लिविंग रूम में आपने क्या क्या देखा और बेडरूम में आपने क्या क्या देखा है, उनकी नेम्स यहाँ पे उसको लिख के बतानी होती है. ओके, तो सबसे पहले किचन में हम लोग पढ़ेंगे, वन हैज़ डन फॉर यू. किचन में क्या होता है, स्पून होता है, SPOON स्पून. ओके, सेकंड सिंक होता है जहाँ पे हम लोग जो बर्तन वगैरह है वो धोते हैं, SINK सिंक. थर्ड इज़ प्लेट, PLATE प्लेट. फोर्थ इज स्टैंड, STAND स्टैंड. ओके, नाउ बाथरूम, बाथरूम के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट शॉवर, SHOWER शॉवर. ओके, सेकंड इज वॉश बेसिन, WASH बेसिन. ओके, वॉश बेसिन. थर्ड इज बाथटब, BATH बाथ, TUB टब. ओके, फोर्थ इज टॉयलेट सेट, TOILET टॉयलेट, SEAT सेट. आफ्टर दैट योर लिविंग रूम, लिविंग रूम के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट इज टेबल कैलेंडर, TABLE टेबल, CALENDARE टेबल कैलेंडर. ओके, नाउ सेकेंड वन इज सोफा, SOFA सोफा. थर्ड इज कारपेट, CARPET कारपेट. नाउ फोर्थ इज टेलीविज़न, TELEVISION टेलीविज़न. नाउ फोर्थ एंड लास्ट वन, इट इज़ अबाउट बेडरूम. ये आपके लिविंग रूम के लिए था और ये बेडरूम के लिए. फर्स्ट इज नाइट बल्ब, NIGHT नाइट, BULB बल्ब. सेकेंड इज सूटकेस, SUITCASE सूटकेस. थर्ड वन इज फोटो फ्रेम, PHOTO फोटो, FRAME फ्रेम फोटो फ्रेम. फोर्थ इज नाइट क्लोथ्स, NIGHT नाइट, CLOTHES क्लोथ्स. सो स्टूडेंट्स, दिस थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. इन दिस आई हैव टेल यू अबाउट द किचन आइटम्स, बाथरूम आइटम्स, लिविंग रूम आइटम्स एंड बेडरूम आइटम्स. सो दीज स्पेलिंग्स यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर बुक इन गिवन कॉलम्स. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दीज स्पेलिंग्स. ओके, एंड वॉट इज योर होमवर्क टूडे, दिस इज योर होमवर्क, दिस यू हैव टू डू बाई योर ओन. आपको ये जो
सेकेंड चैप्टर है माय फैमिली, इसमें आपको ये सारे फोटोग्राफ्स पेस्ट करने हैं और उसके बाद में आपको इसके नीचे नेम्स लिखने हैं उनके, और ये आपको खुद से करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करना है। आफ्टर दैट ये भी आज आपका होमवर्क है कि आपको ये वाला चैप्टर नंबर थर्ड भी आपको अपनी बुक में फिल करना है और इसको आपको लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर नंबर थर्ड। ओके, थैंक यू।